आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वेदर बहुत अच्छा है, ऑल दो विंडी हो रहा है तो हमारे यहाँ पे तो बढ़िया मौसम हो रहा है। बढ़िया मौसम मीन्स बढ़िया मूड। आप लोग बताइए आपके वहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। आई होप एंड विश सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। तो आज की सुबह की शुरुआत कैसे हुई आप लोगों ने देख ही लिया है कि मैंने उठते छोले रखे हैं। फिर क्या हुआ, दो तीन दिन से ना ऐसा खाना बन रहा था कि जो मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था। ऑल दो राहुल एंड बच्चे वर हैप्पी कि हाँ उन्हें वो चीज़ दाल वगैरह, अब मैं बोर हो गई थी यार डेली डेली की दाल से। तो आज कल मैंने इसलिए स्पेशली उठ के छोले भिगोए हैं और अब मैंने पूरे वीक का मील प्लान करा है। आई होप वो चीज़ वर्कआउट करे। अब मैं धीरे 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 और थोड़ा ऑर्गेनाइज होंगी और आप लोगों के साथ उस आई टिप्स शेयर करूंगी जो एक्चुअली में वर्क करती हैं। तो इस वजह से मेरा आज का था छोले का, तो मैंने रात को भिगो दिया, सुबह उठ के रख दिए, क्योंकि सबसे पहले अगर ये रख देते हैं ना तो बस जल्दी से चौक लगाओ। क्यों? क्योंकि मेरा 12 बजे खाना खाना बड़ा ही वो हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे खाना ही खाना है, तो उससे पहले मुझे तैयार करना होता है और उससे पहले मेरे बहुत सारे काम है, झाड़ पोछा है, डस्टिंग है, और अगर हिम्मत हुई तो उसके बाद बाथरूम करूंगी, अदरवाइज बाथरूम में कल करूंगी, क्योंकि सेम डे पे इतना सारा वर्क करना ना बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है। तो इस वजह से अगर एक दिन मेरा झाड़ू पोछा और डस्टिंग हो गया है फिर मैं बाथरूम नेक्स्ट डे करती हूँ, अगर हिम्मत होती है तो सेम डे कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे खाना भी अच्छे से बनाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें भी टाइम देना है, तो इस वजह से बाथरूम में कल करूंगी। तो बस मेरा ऐसा हिसाब चलता रहता है। तो और डिशेज मैंने इसलिए रात को ही कर ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई एक बर्तन भी हो सुबह के लिए, क्योंकि अदरवाइज जाते जाते बेड पे जाते जाते भी ना कुछ 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 ओवर ऐड हो ही जाता है सिंक में। लेकिन मैं दोबारा वापस से उठी और मैंने ये देखा एक भी बर्तन न रहे, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट होती हूँ अब। इस वजह से आज का दिन थोड़ा सा मैंने स्मूथ प्लान करा है कि मैं सारा काम भी करूँ और हैक्टिक भी ना हो, और आगे आप देखिए कि वो सब चीज़ें मैं कैसे करने वाली हूँ, परेशान होंगी नहीं होंगी। क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं प्लान करती हूँ वैसे होता नहीं है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन आज होपफुली ऐसा ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉच। तो देखो काम ना मेरे लिए कभी से टेंशन नहीं थी, जब मैं यहाँ पे आने वाली थी मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था कि हाँ काम कैसे होगा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने हमेशा करा है। और जैसे शादी से पहले ऐसा होता था कि ओकेशनली वंस इन अ वाइल महीने में एक दो बार मम्मी की हेल्प कर दी या फिर मेट नहीं आई, शादी के बाद ऐसा बहुत बार किस्से हुए, और अब तो ऐसा होता ही है कि खुद ने ही सब कुछ करना है। और मुझे ये जो इंडिपेंडेंसी है ना कि मेट पे डिपेंड ना रहना, खुद ने काम करना, ये सबसे अच्छा लगता है। ये 80% टाइम्स मुझे अच्छा लगता है यार, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपने हिसाब से चलो, अच्छा कंट्रोल रहता है कि ड्राइविंग आती है ना किसी ड्राइवर डिपेंड होना पड़ता है, साफ़ सफाई भी खुद करनी पड़ती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मेरा झाड़ू पोछा जिस दिन मैं पोछा लगाती हूँ ना उस दिन मैं दो बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू अगर बहुत अच्छे साफ़ लग जाती है ना तो पोछा और अच्छे साफ़ लगता है, मीन्स कोई बाल वगैरह नहीं होता, कुछ और दिक्कत नहीं होती। और ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इसी ट्रेडिशनल वे से झाड़ू पोछे होते हैं, और भी तरीके हैं कि, लेकिन मुझे ये ट्रेडिशनल वे ही अच्छा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से कम्फर्टेबल हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छे साफ़ कर पाती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, रोबोटिक है, रोबोटिक ऐसा होता है कि वो नीचे घूमती रहती है, एक मशीन पूरे घर को क्लीन करती रहती है। और अभी मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे क्या है, ये ना बहुत पुराना घर है, यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह टूटी हुई है वो अच्छे से यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, इस वजह से हमने कभी वो लिया नहीं। अदरवाइज़ ये नहीं है कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं कि नहीं बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, नहीं अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर चलो ना इतनी परेशानी नहीं होती है। बस समटाइम्स ये होता है कि तबीयत ख़राब है तो दिक्कत आ रही है, वंस इन अ वाइल ऐसे सोच लेते हैं यार काश मेरी होती। लेकिन सच बताऊँ यहाँ पे अगर मैं वर्किंग होती तो मैं रोबोटिक ही रखती, और मैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एजेंसीज होती है जिन्हें बुला के हम घर की सफाई अच्छे से करवा सकते हैं, तो मैं वो चीज़ करती। तो यहाँ पे अगर मैं खुद वर्किंग हूँ तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ों का वो यूज़ करूँगी, और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे वो सब चीज़ें होंगी, जब शान स्कूल जाना शुरू करेगी, मैं भी कुछ ना कुछ काम करना शुरू करूँगी, तब मैं ऐसी चीज़ करूँगी। इस वजह से यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो सबको अपनी लाइफ से अलग चीज़ें चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से ये चीज़ चाहिए थी, इस वजह से मैं इस चीज़ को अच्छे से इन्जॉय करती हूँ। तो मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है, लेकिन अब जो ज़्यादा और परेशानी वाली चीज़ ये है कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। ये हमारी शान ने पॉटी करी थी तो ये नहा भी ली है, और अच्छा है इस वजह से ये डेली नहा लेती है। लेकिन बस ये बुरी चीज़ है कि पॉटी क्यों नहीं, कहाँ करते पॉटी शानू? टॉयलेट। तो क्यों नहीं की टॉयलेट में? टॉयलेट
कहाँ करी थी आपने पॉटी? आज ये गिर गई है ना शानू, ऐसे किया उसके साथ खेल रही थी, उसने इसको ऐसे एनिमल वाली आवाज निकाली है, तेज भागी और इसकी देखो नोज पे भी लग गई, और जब मैंने बच्चे क्लीन करे ना इसको ब्लड भी आया था। अच्छा 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 अच्छा, चलो मैं खाना लेके आ रही हूँ, फिर मम्मा की टर्न है, ठीक है? नहीं नहीं शानू, नहीं मम्मा। अच्छा गुस्सा करोगे मम्मा को? मम्मा टर्न है, आप इतनी देर से प्ले कर रहे हो ना, आप इतनी देर से वॉच कर रहे हो, मम्मा टर्न होगी। ओके ओ मारने के लिए आई हो मुझे? ओ बस यही देखना रह गया था। हाँ सबको लगता है कितना कितना प्यार करते हो आप, पता चला कितना प्यार करती है ये। और मैंने भी शार ले लिया है और 12 बजने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से अपना खाना बनाती हूँ। और पता नहीं मेरी आईज में क्या है, मॉइस्चराइजर लग गया है, क्या हो गया है, बहुत एक तो बहुत सेंसिटिव हो रहा है कि मेरी लेफ्ट आई बहुत ज़्यादा, अब तो मैं ज़्यादातर स्पेक्स लगा के रखती हूँ, फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से मैंने अब व्लॉग्स ऑल्टरनेटिव डेज कर दिए हैं कि नहीं डेली डेली का इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं हो पाएगा। और इस मैंने शान को नहला दिया है, मैंने बाथरूम भी कर ही दिया, मैंने कहा काम खत्म करते हैं फिर उसके बाद जो बाकी का दिन है ना वो रिलैक्स करेंगे, जो जरूरी काम है बस वही वही करेंगे। इस वजह से उससे पहले मैंने सारे काम खत्म कर लिए, मुझे ये लग रहा था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी एक्सरसाइज भी हो गई 80% हो गई, फिर उसके बाद लास्ट के 20% मैंने कहा नहीं यार बहुत लेट हो जाएगा, भूख लग रही है, अब जल्दी से तो काम खत्म कर, जल्दी से नहा और अब मैं हाथ जोड़ूंगी, जोत लगाऊंगी, सूर्य देवता को पानी दूंगी और एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है मैंने तुलसी में, उनको जल देती हूँ और तुलसी को जल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं छोले बनाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। बिलीव में ये रेसिपी छोलों की बेस्ट रेसिपी है, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ था ये छोले मैंने बनाए हैं। इसके अंदर मैंने छोलों को एक रात पहले भिगो लिया था, मैं सीटी लगा रही हूँ, इसके अंदर मैंने 2 टी बैग्स डाले हैं, जो टैग है उसको निकाल देना फिर डालना, और इसके अंदर जो चनी है उसके अंदर सारे खड़े मसाले डाले हैं, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, इन सबको इस छन्नी में डाल के और मैं फिर सीटी लगाती हूँ और बाद में इस छन्नी को निकाल लेती हूँ। स्पेशली उनको खड़े मसालों को अलग अलग निकालने का झंझट नहीं होता है, मुझे बेस्ट लगती है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी और 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाला था, क्योंकि बेकिंग सोडा में ज़्यादा बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में, लेकिन उन्होंने रेसिपी में बता रखा था तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, ये बहुत अच्छे बनते हैं बिलीव में। अब हम लगाएंगे चौक, चौक से पहले तैयार करेंगे ये मसाला, इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, कसूरी लाल मिर्च और काला नमक, और इसके अंदर जाता है अनारदाना और अमचूर पाउडर भी, ये मेरे पास नहीं था, आपके पास हो तो आप लोग डाल लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गरम मसाला और कस्तूरी मेथी का पाउडर बना के मैंने इसके अंदर डाला है बस, और ये इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं जाता और इसी से ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो मैंने कसूरी मेथी को घर में हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के डाला है, अनारदाना और अमचूर पाउडर आपके पास हो तो डालना, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अब लगाते हैं छौक, छौक सीधा मैंने ऐसे करा है कि एक प्याज और उसके अंदर 3 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मैं ऐसे रोस्ट रखती हूँ कि अगर 2 प्याज है तो 3 टमाटर, 1 प्याज है तो 2 टमाटर, तो यहाँ पर मेरी 1 प्याज थी तो मैंने शायद 2 टमाटर लिए थे, और फिर इसके अंदर मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, और प्याज को अच्छे से भून लेना, प्याज के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके बाद टमाटर ऐड करने हैं, 5-10 मिनट तक अच्छे से भुनने के बाद टमाटर ऐड करें, टमाटर ऐड करने के बाद जो हमने एक कटोरी के अंदर मसाला बनाया था उसको ऐड कर लेना, और वो जो अमचूर पाउडर बनाया था ना आपके पास भी नहीं है ना तो भी अच्छे बन जाएंगे, ये कोई टेस्ट में ऐसा बदलाव नहीं आता है। और ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ कि अगर जब तक आपके टमाटर तेल घी जो भी है उसको ना छोड़ना स्टार्ट करें ना तब तक प्लीज़ उसके अंदर अपनी सब्जी दाल वगैरह मत ऐड करा करो, वो इसका मतलब पका ही नहीं है मसाला। अगर टमाटरों ने घी छोड़ना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है समझ लो दिस इज़ दी पॉइंट यहाँ पे ऐड करना, अगर आप इसे पहले ऐड कर दोगे तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, बी पेशेंट, अच्छे से टाइम दे के करना है। ये चीज़ मैंने जब से सीखी है ना तब से मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। अब मैं पहले
छोले ऐड करूंगी, सिर्फ छोले छोले निकाल के, और पानी में लास्ट में देखूंगी कि कितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखनी है, उस हिसाब से वो जो कुकर के अंदर बचा हुआ पानी है वो ऐड करूंगी। इसके अंदर मैंने छोले डालने के बाद थोड़े से छोले स्मैश कर लिए थे ताकि वो जो पेस्ट कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छे से लाइक घुटे हुए से हो जाए, और इस वजह से मैंने अच्छे से वो चमचे से थोड़ी से स्मैश कर लिए है। और इसको थोड़ा सा स्मैश करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, मुझे ज़्यादा पतले नहीं चाहिए थे। अगर आप चावलों के साथ बना रहे हो तो थोड़े से पतले अच्छे लगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेना, रोटियों के साथ इतने ही थोड़े से गाढ़े से अच्छे लगते हैं, इससे मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया था, ये बहुत अच्छे बने थे। इसका रिव्यू राहुल देंगे तो बने रहिएगा। नहीं पापा जा नहीं रहे, पापा कार हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाबा घास काटने के लिए कह रहे हैं, और तो इन्होंने काट ली थी लेकिन पता नहीं क्यों इनका मन कर रहा है। हमने मना करा, कहते नहीं 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 कोई नहीं, क्योंकि राहुल और हमें ना कुछ ऐसे देते रहते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ करते ही रहूँ। खाने भी नहीं, खाना भी नहीं खाने दिया, ये कह रहे हैं मैं 10 मिनट्स में जा रहा हूँ, कहते नहीं अभी हटा दो अभी हटा दो। अब जैसे बड़े बूढ़े होते हैं। हाँ जी, इसकी तो पूछा ही मत, इसने फिर दोबारा पॉटी कर ली है। करो पिटाई, तो क्यों नहीं करते यार, क्यों नहीं करते, टॉयलेट पॉटी करा करो ना। कैसे बने जाने छोले? बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे, क्योंकि सच में ही ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, मतलब सच में बताते हैं, अगर अच्छा है तो अच्छा, बेकार है तो ये झूठ नहीं बोल सकते। तो हम आए क्या को लेने के लिए, लेकिन हम हो गए लेट क्योंकि शान सो गई थी। मेरा मन नहीं कर इसको उठाने का, क्योंकि मैं इसको उठाती तो इसकी नींद खुल जाती है, और यही चीज़ हुई, ये मुश्किल से आधे घंटे सोई है। शानू आप ठीक हो? हैप्पी मूड है? ये आज बहुत विंटर है इसलिए परेशान हो रही है अपने हेयर से, लेकिन हम जा रहे हैं क्या को लेने के लिए। जब क्या से मिलेंगे तो आपको ही मिलवाएंगे। मेरी क्या का ना लंच बॉक्स का मेरी टेंशन है कि वो एक ही टाइप की चीज़ पसंद करती है, और वही चीज़ मैं उसको डेली देती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज मैंने करना शुरू करा है। लेट्स सी आज लंच फिनिश करा होगा नहीं करा होगा। क्या होता है ना कि अगर वो नहीं खाते कुछ और तो मैं सोचती हूँ जो खा रही है वही ले ले, एटलीस्ट भूखी तो नहीं रहेगी उस टाइम पे। आज मुझे यही टेंशन है कि पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा, सबसे मैं यही सोच रही हूँ। अच्छा तो वही दे देती जो उसको पसंद है। तो क्या कि एक फ्रेंड थी, हम उसके पास रुके हुए थे क्योंकि उसके घर से कोई लेने आया था, लेट लेने आया था, तो हम वेट कर रहे थे साथ में। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था किया ने लंच फिनिश नहीं किया, और क्यों नहीं किया, क्या ट्राई किया, हाफ तो करते शोना, क्या शोना कब तक सेम थिंग हम खाते रहेंगे, कुछ तो नया ट्राई करो। मैंने इसको बोलता कि इसे नहीं फिनिश करना, मैं इसको टीवी नहीं वॉच करने दूंगी, तो अब उसी चीज की डिस्कशन चल रही है कि वॉच क्या शोना नहीं। हाँ पता है, मैं आपको उसके ड्रामे दिखाती हूँ, ड्रामे क्या दिखाओ शानू ने आपको कहाँ हर्ट करा है, देखो यहाँ पे इसको नेल मार दिया, और आपको कहाँ पे चाहिए? हाँ जी रोश रोश फिनू रोश कहाँ हर्ट हो गया? तो अब किया के बैंडेज लगी है तो इसको बैंडेज लगवानी है। जुटू क्राई है, पीछे रख लिया करो ना कि हेडलाइन निकालते हो फिर। मम्मा हाँ जी क्या करना है? मम्मा फिनू हर्ट, फिंगर हर्ट हो रही है? यस। क्या करूँ अब, बैंडेज लगा दूँ? यस। ओके 1 2 अच्छा ठीक है। आपको भी चाहिए? Yes. कहाँ हर्ट हुआ है? मम्मा हर्ट 13। ओह ठीक हो जाएगा। यहाँ पे? Yes. वहाँ पे? यहाँ पे? No. फिर कहाँ पे? यहाँ पे है। थम है। पे है ना? थम। मम्मा स्नोमैन। स्नोमैन वाली नहीं है ये? आपको स्नोमैन वाली चाहिए? Yes. नहीं नहीं अब स्नोमैन वाली नहीं है, जो लग गई सो लग गई।
अब मैं करूंगी डिशेज और फिर उसके बाद इन्हें सुनाने के लिए ले जाऊंगी। किया फिनिश करेगी अपनी राइटिंग, इसकी सेंटेंस मेकिंग चल रही है, खाना खत्म करेगी, फिर हम सोने के लिए जाएंगे। और शानू आप क्या कर रहे हो? ड्राइंग। ड्राइंग कर रहे हो? शानू अपनी ड्राइंग फिनिश करेगी फिर हम सोने के लिए जाएंगे। ओके हाँ जी। ओ ब्यूटीफुल। इसलिए आज का ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना अपनों का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। एवरीबॉडी बाय। हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई विल प्रेजेंट दिस सॉन्ग फ्रॉम माय डैड। वेल ही इज एट वर्क, सो आई विल कीप When I dance and I fell down on the ground, my dad helps me get up again, helps me try that. It helps me try to dance. Love my dad from my heart. I love my dad and he's a great one. I love him from my heart. Ooh, can him we'll give up. Ooh, we can let him up. And I never give up, up, up. I love my dad, cause I'm glad that my dad's always with me. When I try something new, he says, try this. He knows it's great, but whenever I fall down, he gets me up again. He does everything. He gets money for us, and it's very glad that we have a dad. And it's very great. I love my dad, for there is heart can be prized for him. Love him. Oh my, this is dad. This is my dad. For my dad, and then to open it, that opens it. I love him very much.